गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन 10, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द राजपूत्स। बेसिकली व्हेन द पावर ऑफ द राजकुटास, प्रतिहाराज एंड पालाज एंडेड बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू ऑक्युपाइंग कन्नौज, कन्नौज को पाने के चक्कर में इन तीनों का एंड हो गया। एंड एट दैट टाइम थ्री इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस, तीन इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए। फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स वर केम अंडर द राजपूत्स। एंड थर्ड, द टर्किश इन्वेडेड इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द राजपूत्स। तीन चेंजेस हुए, एक तो नॉर्थ इंडिया सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ गया, दूसरा बहुत सारी किंगडम्स राजपूतों के अंडर चली गई, तीसरा टर्किश, जो टर्किश टर्क्स थे उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, क्योंकि राजपूतों की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो इसका सबसे बड़ा कारण थी। राजपूत वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी होंगी, बट There is no clarity about the origin. इनके origin के बारे में नहीं पता कि कहाँ से राजपूत आए। Some historian believe that the Rajput families trace their origin to sun or moon. That is why they are known as सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको सन और मून से जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रवंशी, उनके नाम के साथ चंद्रवंशी सूर्यवंशी भी लगाया जाता है। The word राजपूत means the son of the राजा, of a राजा। बट कुछ हिस्टोरियन मानते हैं तो ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज। कुछ का मानना है कि दे आर रिलेटेड टू द फॉरेन ट्राइब्स, फॉरनर्स थे जो इंडिया में आके सेटल्ड हो गए। कुछ मानते हैं कि देर आर फोर मेन क्लैंस और सेक्शंस ऑफ द राजपूत विच वर बॉर्न फ्रॉम द फायर अल्टार्स, अग्नि से पैदा हुए। दैट इज़ वाई देर ऑल्सो नोन एज अग्नि कुलाज। And we have some dynasties of Rajputs here. First, Paramaras belongs to Malwa and ruled over Malwa. Pratiharas ruled over Rajasthan, Gujarat. Chauhans belongs to Ajmer and Chalukyas belongs to Gujarat. These are the four dynasties of Rajput. Isme sabse famous hai चौहान डायनेस्टी। बेसिकली दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात एंड राजस्थान। इसमें सबसे फेमस और पावरफुल रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। ही सेट ऑन थ्रोन इन 1177 CE। बहुत सारी वॉर्स जीती, सबसे फेमस वॉर थी इनकी तराइन वॉर नियर भटिंडा। भटिंडा में एक प्लेस है तराइन, वहाँ पे मोहम्मद गौरी विच केम फ्रॉम गौर, गौर इज़ अ प्लेस इन अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में एक बैटल हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। बट इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। All you have heard some stories related to folk tales related to Prithviraj Chauhan and he remains a hero in these folk tales. ऐसी लोक कथाएँ सुनी होंगी अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और इनके बारे में एक पोएम भी लिखी गई, रिटन बाय चंद बरदाई। इन्होंने एक पोएम लिखी पृथ्वीराज रासो। ये पोएम, दिस पोएम नरेट्स द ब्रेवरी and heroism of Prithviraj Chauhan. एक बहुत ही famous story है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। जयचंद the king of Kannauj held a swamvar for his daughter Samyukta, अपनी बेटी के लिए swamvar रखा, but he did not invited पृथ्वीराज चौहान। insult करने के लिए he placed a statue of पृथ्वीराज चौहान in the position of doorkeeper, door के पास उसका statue रख दिया और उसे बुलाया नहीं।
द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज रिजेक्टेड ऑल द प्रिंस, सबको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि जहाँ वो डोर था उसके पीछे कहीं पृथ्वीराज चौहान छुपा हुआ था, और जैसे ही समयुक्ता हार डालने के लिए स्टैचू के पास गई तो अचानक से पृथ्वीराज चौहान वहाँ से निकले जो वहाँ छुपे हुए थे, एंड द प्रिंसेस प्लेस द गारलैंड अराउंड द नेक ऑफ पृथ्वीराज चौहान। एक छोटा सा किस्सा था विच शो द ब्रेवरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता आपका द स्ट्रगल और सुप्रमेसी। ये सब जितना भी हुआ सब कुछ किसको पाने के लिए हुआ? सुप्रीम पावर को। बट द इंटरनल डिसयूनिटी अमंग दीज पावर्स ऑफ द राजपूत अट्रैक्टेड द मुस्लिम इन्वेडर्स इन इंडिया। इनकी इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए, अटैक किया और बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल में कर लिया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक राजपूत। आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू विल रीड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ योर बुक। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।